आंवला पोषक तत्वों की खान है। आंवलों का सेवन आपको कभी गंभीर बीमारी नहीं होने देगा, इसीलिए ज्यादातर लोग आंवले का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आंवला जहर है? अगर ऐसे लोगों ने आंवले का सेवन किया तो उनकी हालत खराब हो सकती है। कहीं आप तो उन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं? अगर आप हैं तो आज से ही आपको आंवले का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट देखना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सभी लोग आंवले को सेहत का खजाना मानते हैं। जिन लोगों के लिए आंवला जहर है, अगर ऐसे लोगों ने आंवले का सेवन कर लिया तो क्या होगा? ऐसे में इस वीडियो की एक एक लाइन मिस मत करना और इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंवले में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और स्किन को चमकदार रखने में मदद कर सकते हैं। आंवला एसिडिक नेचर का होता है, इसमें सोडियम व पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जिन लोगों के लिए आंवला नुकसानदेह है, उनमें सबसे पहले है एसिडिटी से पीड़ित लोग। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आंवले में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। अगर आप एसिडिटी से पीड़ित हैं, तो आंवले का सेवन सीमित मात्रा में करें, वरना इससे आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को भी आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किडनी वाले मरीज आंवले का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है और उसके कामों पर असर पड़ता है। ऐसे में किडनी पर दबाव पड़ सकता है, लिहाजा आपको आंवले का सेवन नाम मात्र का ही करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको अगली बीमारी के बारे में बताते हैं जिसमें भूलकर भी आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए, और वो है ब्लड शुगर। जी हाँ, आंवला ब्लड शुगर को कम कर सकता है। ऐसे में अगर आप पहले से ही लो ब्लड शुगर से पीड़ित हैं, तो आंवले का सेवन भूलकर भी ना करें। इसके अलावा आप लोग एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, ऐसे लोगों को भी आंवला खाने से बचना चाहिए। साथियों, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंवले का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनका पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से भी गर्भवती महिलाएं परेशान हो सकती हैं, जिसका सीधा असर बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है। और सबसे जरूरी, जिन लोगों की हाल फिलहाल में ही सर्जरी होने वाली है, उन्हें आंवले नहीं खाना चाहिए। इसको खाने से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि सर्जरी से कम 2 हफ्ते पहले से आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने फिर भी आंवले का सेवन किया है तो ये आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो आपको भूलकर भी आंवले का सेवन नहीं करना है, वरना आप और भी ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।